हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल्स कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं दोनों बाइकों के बीच में, जो है 2024 मॉडल केटीएम ड्यूक 250 सीसी और 2024 मॉडल केटीएम ड्यूक 200 सीसी। इन दोनों बाइकों के फीचर्स में क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या आपको मिलता है, क्या ऑन रोड कीमत है, क्या माइलेज मिलेगा और इन दोनों बाइकों में क्या चेंज रहेगा, यानी कि अगर आप उस गाड़ी को लेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें लेंगे तो क्या मिलेगा, सारी डिटेल्स। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ड्यूक 250 अलग सेगमेंट की गाड़ी है, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन की, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। ये भी गाड़ी बहुत ही तगड़े फीचर के साथ है। तो दोनों अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी और सच्ची रिव्यू, अच्छी जानकारी, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो भाई, अगर R15 वर्जन 4 लेना चाहें, R15 लेना चाहें या फिर R3 R1 कुछ भी लेना चाहें, अगर आप लेना चाहते हैं पल्सर RS 200 तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पल्सर NS 200 भी लेना चाहें तो पूरी वीडियो देखिएगा। TVS अपाची RTR 3-liter लेना चाहेंगे या फिर आप लेना चाहें TVS अपाची RR 3-liter तो भी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये दो वीडियो का, दो बाइकों का बीच का रिव्यू नहीं है, कंपेरिजन। जितनी भी सेगमेंट में आती है 200 सीसी से 150 सीसी से लेकर 250 सीसी तक, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इसका ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। तो ये है KTM ड्यूक 200 सीसी, इसकी ऑन रोड कीमत है 223,000 रुपये, 223,000 ऑन रोड प्राइस के साथ, डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। अब ये गाड़ी भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है, वो भी सेम साइड डिस्क ब्रेक, ये आप देखो इसी साइड पर डिस्क ब्रेक इसमें मिलेगा और रियर में भी आप देख सकते हैं फ्रंट रियर। और इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें उस साइड है यानी कि लेफ्ट साइड और पीछे का लेफ्ट साइड, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, यानी कि डिफरेंट साइज साइड में है, ये सेम साइड में है, ये आप देखिए। अब ये इसमें सबसे बड़ा चेंजेस यही हुआ है, दूसरी भी और तीसरी भी बहुत सारे चेंजेस हुए जो आप जानेंगे इस वीडियो में। तो KTM ड्यूक 250 की ऑन रोड कीमत है 269,000, यानी 269,000 ऑन रोड प्राइस है इस गाड़ी का। अब ये 250 सीसी है, ये 200 सीसी है, तो फर्क कितना है, ये 23,000 है, 69,000 लगभग, मान के चलो कि 40-42 के अप्रोक्स आपको प्राइस का डिफरेंस पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फ्रंट पर ही आप इसका लुक देख सकते हैं कि ये KTM ड्यूक जो है 250 सीसी एक हैवी सेगमेंट के, जो कि फ्यूल टैंक से पूरा फ्रंट का वाइजर देख सकते हैं, काफ़ी हैवी गाड़ी दिख रही है। और ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा उससे हल्का सा हल्की दिखेगी, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ाई इसके कम है। आप सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर आपको DRL मिलेगा और LED हेडलाइट आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप LED हेडलाइट और वो भी DRL के साथ। और ये आपका स्प्लिट में, ये आपका पूरा एल्युमिनियम का, ये मजबूती के साथ ये पूरा ऐड किया गया है, ये देखिए आप, ठीक है। अब इस गाड़ी का जो है, इसमें आपको DRL नहीं मिलेगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो इस शेप में थोड़ा सा लाइट आपको हल्की सी दिख सकती है, ये देखिए आप, ये लाइट ऐसी ही जलती दिखेगी, DRL ही आप समझ लो, लेकिन ऐसा DRL उसके जैसा इसमें ऐसा जलता हुआ नहीं दिखेगा। इसमें भी आपको LED वाली हेडलाइट मिल जाती है, जो कि इस तरह से जलेगी, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं सेम, लेकिन इसके अंदर भी आपको LED वाला इंडिकेटर मिलेगा। और एक फ़र्क है, इसके अंदर हैजर्ड बटन का सिस्टम नहीं है कि चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सको, बाकी नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगा इसमें और इसमें आपका यहाँ पर लगेगा, यह डिफरेंस है, इंडिकेटर सेम है लेकिन हैजर्ड बटन नहीं है 200 में। साइड पे आपको इस तरह से पैनल रहेगा, यहाँ पर इस पर बिल्कुल सादे, इस पर कोई स्टिकर नहीं है। यहाँ पर आपको साइड का जो पैनल है वो KTM का ब्रांडिंग है। आप देखो USD वाले ट्विन सस्पेंशन, वो भी WP के मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोरेंस वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वो भी USD फोर्क वाला सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ, ट्विन डबल वही सस्पेंशन आपको इसमें भी मिल जाता है, WP का ही ट्विन सस्पेंशन बिग पिस्टन के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी ट्विन डबल USD फोर्क वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्क ब्रेक इसमें इस साइड का है, वो भी 320mm का डुअल चैनल ABS के साथ। इसमें आपको 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है बाइबर का, यहाँ पर आपका डिस्क वाला सिस्टम मिल जाएगा 300mm डुअल, यहाँ पर आपको ट्विन USD फोर्क सस्पेंशन। आप देखो मेडगार्ड आपको इस तरह से इसमें काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ मिलेगा, पियानो ब्लैक मेट फिनिशिंग यहाँ पर इस तरह से रहेगा इसका मेडगार्ड, इसका मेडगार्ड आपको सिंगल टोन पर यहाँ पर रहेगा, बाकी पीछे ब्लैक रहेगा, इस तरह से आपको रहेगा उसमें। और इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस शायद दिख रहे होंगे, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर इसे ऐसा सादा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कुछ अलग डिजाइन से बहुत स्टाइलिश लुक में ये गाड़ी का दिखेगा, ये है। और इसमें आपको रिफ्लेक्टर यहाँ मिलेगा और इसमें आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिया गया, ये देखिए आप, इसमें आपका सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर नहीं है, ये देखिए, ये चेंजेस मिलेगा। अब टायर का क्या साइज है, दोनों के टायर में आपको बताता हूँ कि टायर सेम है या नहीं। इसके अंदर आपको मिलता है 110/70/17 का ट्यूबलेस टायर, और इसके अंदर आपको मिलेगा भाई 110/70/17 का, यानी कि सेम टू सेम टायर है। और अलॉय व्हील इसमें ऑरेंज कलर की रैपिंग के साथ, उसमें आपको रैपिंग नहीं मिलेगी, पूरा
ब्लैक ही कलर का रहेगा, ये देखिए आप, ठीक, ये फ़र्क है। अब देखो इसके जो फ्यूल टैंक है वो आप देखेंगे तो KTM ड्यूक 250 का इस तरह से है, पूरा फाइबर ही रहेगा ऑरेंज कलर का, और ये आपका येलो कलर है, यहाँ पर हल्का ब्लू, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस तरह से मिलाया है, ये देखिए आप। और इसका जो वाइजर है ये आपका फ्यूल टैंक का कवर यहाँ पर है, देखो सस्पेंशन के आगे है, ये देखिए आप। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये सस्पेंशन के आगे नहीं है, उसका थोड़ा छोटा है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ड्यूक 250 लिखा मिलेगा और इसका वाइजर थोड़ा छोटा है आप देख सकते हैं, और ये फ्यूल टैंक से इस तरह से रहेगा, और ये फ्यूल टैंक से इस तरह से रहेगा, ये देखो ये डिफरेंसेस है। बाकी 13.5 लीटर इसमें भी पेट्रोल आएगा, 13.5 लीटर उसमें भी आएगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है। यहाँ पे आपको KTM का ब्रांडिंग मिल जाएगा, इसके अंदर आपको इस तरह से कुछ डिजाइंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपका ये फ्यूल टैंक का गैप है जो कि काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ मिलेगा, E20 ब्रांडिंग के साथ, ये आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इस तरह से रहेगा ये फ्यूल टैंक, देखो आप बहुत ही अच्छे मॉडल और शेप में। अब ये रहा E20 का, ये भी मॉडल है, ये भी आपका स्टील रहेगा, बाकी ये फाइबर रहेगा सेम, और दोनों जगह पर इग्निशन भी आपको सेम जगह पे मिलेगा, ये देखो आप इसका लुक। और लिक्विड कूल इंजन है दोनों गाड़ियों में, और लेग गार्ड भी आपको दोनों गाड़ियों में, और इंजन गार्ड आपको इसमें मिलेगा, उसमें आपको इंजन गार्ड नहीं मिलेगा, अभी नहीं लगा भाई, हो सकता है बाद में आप जब खरीदे तो लग जाए, लेग गार्ड उसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी, ये देखिए। अब यहाँ पर कूलेंट का सिस्टम, KTM इंजन गार्ड, और ये रहा आपका चेसी। अब देखो सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदर ये रहेगा, इस गाड़ी का देखो यहाँ का जो पोर्शन है इस साइड का, यहाँ से लेकर ये पोर्शन आप देखोगे तो दोनों गाड़ियों का सेम चेसी है और सेम हर चीज़ है, लेकिन इसका जो इंजन है वो देखो कूलेंट का सिस्टम आपको उसमें ऊपर से दिया गया है पड़ने वाला, ये देखो पूरा सिस्टम, देखो उसका रेडिएटर इंजन, ये देखो आप, और इसका यहाँ पर दिया है, इसका इंजन ढक गया है, ये देखो ऐसा रहेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा। और इसका जो इंजन है वो 249.7 CC है, इसमें 250 वाले में, 250 CC वाले में 250 CC लगभग इंजन आपको मिलेगा, 249.07 CC, और मैक्सिमम पावर है 9000 RPM 30 FPS पे, मैक्सिमम जो टार्क है वो 24 Nm 7500 RPM, और ये ओवर हेड कैम्स DOAC इंजन आपको मिलेगा, सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल, और इसका जो वजन है और माइलेज 169 किलोग्राम की गाड़ी है, माइलेज आपको 25 से 30 का देगी 250 CC, बल्कि ज़्यादा भी दे सकती है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, और अंडर बेलो जो इस तरह से रहेगा साइलेंसर, ठीक है। और स्विंग ये सस्पेंशन आप पीछे का रियर का देखेंगे तो इस साइड में रहेगा मोनोक्रॉस सस्पेंशन, उसमें आप देखो बीच में है, ये देखो बीच में है, इसका अंडर बेलेक जो इस तरह से रहेगा, और बैंड पाइप बीच में है, पूरा बीच से गया है, साइड से यहाँ पर कोई शो नहीं करेगा इंजन गार्ड यहाँ पर। अब इसके अंदर इंजन मिलता है 199.50 CC, यानी 190.9 CC का, 199.5 CC का इंजन है, इंजन काफ़ी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइलेज भी बेहतर देगा, परफॉर्मेंस भी तगड़ा मिलेगा। और उसके बाद सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल FI DOAC सेम इंजन है, इसका जो पावर है भैया वो ज़्यादा आपको मिलेगा, 10000 RPM है, 25 PS है लेकिन उसमें 30 PS है, और इसमें 90.3 Nm है, 8000 RPM है मैक्सिमम, ये चीज़ है, माइलेज आपको 30 से 35 का देगी, इसका वजन है 161 किलोग्राम, 10 किलो 250 CC से वजन कम है इसका, 10 किलो, ये आपको 161 किलोग्राम की मिलेगी, ये आपको 169 किलोग्राम की मिलेगी। और स्विंग सस्पेंशन आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस इसमें मोनोक्रॉस रहेगा, बाकी स्विंग आर्म जो है वो एल्युमिनियम का दोनों गाड़ियों में है, ये आप देख लीजिए, अंडर बेलेक जोस उसमें बीच में है, और ये देखिए सस्पेंशन रियर का जो है ये आप देख सकते हैं, ये चेसी आपको ये वाला जो है सिस्टम इसमें आपका बहुत तगड़ा चीज़ है भाई, ये स्प्लिट स्टील ट्रेलिस फ्रेम है दोनों गाड़ियों के अंदर, और इसमें आपका ये इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर ये फाइबर है, उसमें आपको ये चीज़ नहीं दिया गया है, ये आप थोड़ा सा फेयरिंग मॉडल है, और ये आप देख सकते हैं, बाकी नेकेड है दोनों गाड़ियाँ, इसका आपको पीछे का जो पोर्शन है ये आपका पाइप वाला नहीं दिया गया उसमें की तरह, इसमें इस तरह से नया चीज आ चुका है। अब इसका जो सीट है थोड़ा सा ऊँची है, रियर की सीट पीछे वाली ऊँची है और नीचे वाली आपको इस तरह से मिलेगी, बाकी स्प्लिट में यहाँ पर आपका रबड़ मिल जाएगा इस तरह से देख सकते हैं, ये पूरा चेसी इस तरह से रहेगा, और इसकी जो सीट है वो आपको इस तरह से मिलेगी, इसके थोड़ा सा हाइट कम है नीचे पीछे वाले की, ये देखो आप इसमें आपका इस तरह से पूरा सीट रहेगा, सीट दोनों गाड़ियों का बहुत ही बढ़िया है, ये आप पूरा चेसी इस तरह से देख सकते हैं, उसमें आपका इस तरह से रहेगा, ये पूरा आप देख लीजिए, ये रहा इंजन उस साइड से आप देखो इसका इंजन इस साइड से, और गियर लीवर आपको 6-6 गियर के दोनों गाड़ियाँ भाई, KTM में गियर बताने की जरूरत नहीं, 6 गियर की शुरू से ही गाड़ी आती है, और ये देखो आप पूरा सिस्टम इसमें आपका इस तरह से रहेगा, ये देखो आप यहाँ पर आपको कुछ फाइबर वाइबर नहीं मिलेगा उसमें, वो दिया गया है साइड पर, ये देखो आप इसका इंजन, और यहाँ पर ये स्विंग आर्म एल्युमिनियम का, चेन कवर देखो ये पूरा इस तरह से रहेगा, सारी गार्ड पीछे का फेंडर, ये रहा इसमें सारी गार्ड चेन कवर,
पूरा इस तरह से पीछे फेंडर उसमें नहीं आएगा, इसमें आपका फेंडर इतना बढ़ाएगा। आप सबसे पहले इसका ग्रैब रेल देखो और KTM का यहाँ पर स्टिकर मिलेगा, ये फाइबर यहाँ पर दिया है कवर ये जो है ना ये एलुमिनियम का इतना तगड़ा दिया है कि टेल लाइट भी आपको सेफ रखेगा। और यहाँ पर KTM लिखा है, यहाँ पर आप पकड़ भी सकते हैं। मजबूती यहाँ पर देखो दो लंकी वाले नट से टाइट है। पीछे की टेल लाइट LED वाली आपको इसमें इस तरह से मिलेगी और ड्यूक में इस तरह से मिलेगी। ड्यूक का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी 250 cc वाली का। यहाँ पर भी टेल लाइट की सेफ्टी के साथ साथ ग्रैब रेल आपको इस तरह से मिलेगा सेम मॉडल में, लेकिन थोड़ा सा मॉडल इसका चेंजेस आपको मिलेगा। ये आपका इस तरह से है और उसमें उस तरह से है, दोनों का साइड ये देखिए आप। अब पीछे का जो पोर्शन है वो सेम टू सेम है, बस खाली थोड़ा मॉडल का फ़र्क है। ये इस तरह से सीधा इसमें है, यहाँ पर ये चीज़ ऐड किया है, बाकी सेम चीज़ है। LED वाला इंडिकेटर और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ अगर देखेंगे तो ये फाइबर पर है, इसमें आपका ये पूरा पट्टी वाला दिया है, ओपन कर दिया है, ये है। बाकी आपका नंबर प्लेट की लाइट इंडिकेटर सब सेम है, सेम इसका साइज़ भी आपको मिलेगा, यानी कि जो लेंथ है लंबाई ये आपका सेम रहेगा। ये देखो आप पीछे का फेंडर्स में मडगाड़ी इस तरह से है। अब टायर में क्या फ़र्क है और चेन स्पॉकेट जो है लगभग आप देख सकते हैं 230 mm का, दोनों में डिस्क ब्रेक है, चेन स्पॉकेट सेम है, आप रियर देख सकते हैं 230 mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ, इसमें भी 230 mm डिस्क ब्रेक ABS के साथ। इसमें आपको 160/17 का टायर दिया गया है और इसके अंदर आपको मिल जाता है 150 का है और 60/17 यानी कि इसमें 10 mm का कम है थोड़ा सा। और बाकी दोनों का टायर आप देख सकते हैं इस साइड से, ये देखिए आप। तो ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर रैपिंग भी मिलेगी, इसमें आपका ब्लैक ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम इस तरह से रहेगा इन दोनों गाड़ियों का। अब सबसे बड़ा चेंजेस आपको मिल जाएगा भाई इसके अंदर, ये देखोगे आप इसके हैंडल बार का जो सिस्टम है, यहाँ पर हेजर बटन पासिंग और ये देखो पूरा सिस्टम, इसमें आपको नेविगेशन, कॉल, मिस कॉल, ब्लूटूथ, ये आपका ABS कंट्रोल, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रिप नेविगेशन, ऑडियो प्लेयर, लैप्स, ये सब कुछ, टाइमर, यहाँ पर ABS ऑन ऑफ करने का सिस्टम, ऑडियो स्पीड, यहाँ पर आपका RPM, यहाँ पर गियर इंडिकेटर, यहाँ पर क्लॉक, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसकी चाबी इस तरह से दी गई है, ये पूरा कवर के साथ है, ये रहा इग्निशन, इसको ऑन करेंगे इस तरह से ये वर्क करेगा। 6 गियर की गाड़ी है, देखो यहाँ पर गियर बताएगा ये पूरा सिस्टम। यहाँ पर इंजन की सूची इस तरह से, सेल्फ स्टार्ट और 12 इसमें मिल जाएगा और मिरर आपको इसमें एलुमिनियम का रहेगा, इसमें आपका मिरर इस तरह से रहेगा कवर के साथ। अब इसका जो है हैंडल बार ये आप देख लीजिए आपके सामने है, इसमें आपको फुली डिजिटल इसमें भी रहेगा लेकिन इसके अंदर नेविगेशन, कॉल, मिस कॉल वाला सिस्टम नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी चाबी इस तरह से रहेगी, इसका कवर नहीं है बस, बाकी सेम चाबी इसमें भी आता है सेम मॉडल के साथ। और ये देखिए इग्निशन भी सेम जगह पे है और इसका हैंडल बार इस तरह से है, ये देखो आप इसमें, ये देखो फिर से ऑन करता हूँ, ये देखो आप मोड सेट का बटन, ये सब पूरा ABS, इसमें डुअल चैनल ABS, ये सब पूरा सेटअप इस तरह से रहेगा। इसमें कॉल, मिस कॉल, ब्लूटूथ वाला सिस्टम, नेविगेशन का नहीं है, बाकी ये सिस्टम आप देखते हैं इस तरह से रहेगा। यहाँ पर इंजन की स्विचेस, सेल्फ स्टार्टर, बस में बार एंड व्हील नहीं मिलेगा, ये है पूरी बाइक। तो ये हुआ मेरे ख्याल से भाई, मैंने तो पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल्स कंपैरिजन किया हूँ। और अगर हम बात करें भाई वज़न, तो मैंने आपको बता दिया ये है 200 cc 159 किलोग्राम है, 250 cc 169 किलोग्राम है, 10-10 किलो का फ़र्क आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। माइलेज में लगभग जो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ सकता है, बाकी समथिंग माइलेज सेम देगी ये गाड़ियाँ। तो और उसके बाद सबसे बड़ा चेंजेस आपको इसमें मिलेगा USB चार्जिंग पॉइंट, इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाएगा, वो भी टाइप सी वाला चार्जिंग दिया है, सबसे लेटेस्ट चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा टाइप सी वाला चार्जिंग इसके अंदर, जो 250 cc में। इसमें आपको ये सिस्टम नहीं दिया भाई, मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है थोड़ा सा डिफरेंस, जो कि कुछ आपके काम की चीज़ है। तो अभी चलो इसका हम प्राइस की बात करते हैं, तो 223,000 रुपये इसका है, जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया इसकी कीमत है 269,000 रुपये। और ये बाइक आपको मिलेगी यहाँ पर आप जैसे KTM नवसारी। तो वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।